आजच्या आधुनिक काळात परिवारातील संवाद व एकसाथ वेळ द्यायला देणे कमी झाले आहे. त्याची आई आणि मुलांचे कौशल्य एका व्यासपीठावर सादर करण्यासाठी स्टेज ब्राईट इव्हेंट्सच्या वतीने मी अँड मॉम पेजंट 2021 आयोजन करण्यात आले होते. स्टेज ब्राईट मीडियाच्या संचालिका नेहा मदन वर्मा यांच्या संकल्पनेतून प्रत्यक्षात सादर झालेला हा शो फॅशनच्या जगातील एक अनोखा व प्रेक्षकांचे मने जिंकणारा ठरला. स्टेज ब्राईट इव्हेंट्स आयोजित मी अँड मॉम पेजंट 2021 महाअंतिम सोहळा पुणे विमाननगर येथील हॉटेल 4 पॉइंट्स येथे संपन्न झाला. या अंतिम सोहळ्यात एकूण 50 अधिक स्पर्धक आई व मुले सहभागी झाले होते. शोमध्ये भारतीय पोशाखात रॅम्प वॉक, परिचय, प्रश्न उत्तरे आणि आई मुलांचे एकसाथ टॅलेंट राऊंड यांच्या आधारावर परीक्षकांनी परीक्षण केले. मी अँड मॉम पेजंट 2021 या पर्वामधील सहभागी स्पर्धकांच्या सादरीकरणाने शोचे ज्युरी पल्लवी कौशिक आणि रोहित शिंदे यांना देखील अचंबित टाकल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले. तरी सदर स्पर्धेच्या विजेत्याचा मान संतोषी खंडेलवाल यांनी मिळवला, तर फर्स्ट रनरअप अनुश्रू तसेच सेकंड रनरअप म्हणून दीपाक्षी शृंगारे सुजाता कुलठे यांची निवड करण्यात आली. मुझे दो टाइटल्स मिले हैं बेसिकली, फर्स्ट रनर अप मी एंड मॉम्स एंड सेकेंड जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है फॉर द स्टाइलिस्ट मी एंड मॉम्स. स्टाइलिस्ट अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम है और फर्स्ट रनर अप जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं एक मदर भी हूँ और एक मदर अपनी बेटी को आज एक एग्जाम्पल देने के लिए अगर देखा जाए तो मैं शायद एग्जाम्पल देने की वजह से स्टेज पर हूँ. माय नेम इज दीपाक्षी एंड आई वांट द टाइटल एज दिस इज फिट एंड आई एम सेकंड रनर अप ऑफ दिस शो. थैंक यू टीम फॉर गिविंग मी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन बी मोस्ट इन शो ऑफ दिस टैलेंट. थैंक यू सो मच. यावेळी कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून अभिनेत्री दीप्ती धोत्रे, डान्सर ऋतुजा जुन्नरकर, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, उद्योजक, कलाकार, समाजसेवक व प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. Wonderful event what you have organized. बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है बट आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग. इन 2000 आई थिंक इट वॉज 18 और आई थिंक 17 व्हेन आई मेट नेहा फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एज अ ज्यूरी देयर एंड नेहा वॉज अ कंटेस्टेंट. ज्यादा साल नहीं हुए लेकिन फ्रॉम अ कंटेस्टेंट जो एक ऑडिशन के लिए आया है जस्ट फॉर शो एंड टूडे पुटिंग अप दिस बिग शो इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट.
working and keep shining. And while I was sitting there, I was all the time thinking that ये जो crown पहना है मैंने ये बहुत छोटा है. I would love to wear a crown with my daughter on this stage anytime next. तो ये final destination बन जाती है. I don't know about American US but at least in Indian culture. शादी हो गई, खत्म हो गई, सब खत्म हो गया. उसके बाद में जो भी करना है उसके लिए हर एक चीज के लिए हर्डल्स होते हैं. फैमिली का सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, फैमिली का पूरा केयरिंग होता है, खुद के रिक्वायरमेंट होते हैं, झाड़ू पोछे से लेके खाने तक सारी चीजें होती है. ये सारी चीजों को ओवरकम करके अगर आप सब लोग यहाँ पे हो, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आप अगर यहाँ पे हो तो मेरे हिसाब से आप सब विनर हो. नेहा, सैल्यूट टू यू कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया ये सब वीमेंस को सो दैट दे कैन रीस्टार्ट देयर लाइफ एंड क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी. थैंक यू सो मच. ऑन अ सीरियस नोट, मदर्स बहुत एनर्जेटिक है यहाँ पे एंड आई एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट ग्रूमिंग देम. लाइक कोरियोग्राफी पार्ट अगर बाजू में रखूंगी तो इनफैक्ट मैंने भी बहुत सी चीजें उनसे सीखी है. सब चीजें उन लोग कैसे मैनेज करके आ रहे थे, जितना वो एनर्जी के साथ कर रहे थे लग नहीं रहा था कि उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भी के भी. ओके, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू माई ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड देयर ऑल लव यू एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, सीरियसली लव यू ऑल. यस, और छोड़ना नहीं है अब ये प्लेटफॉर्म, बिल्कुल नहीं छोड़ना है अभी. ओके, आगे बढ़ते जाना है, ग्रो करना है एंड माई विशेस विल बी ऑलवेज विथ यू. आई विल बी ऑलवेज विथ यू.